कल होगा बहुत बड़ा दिन। जिनको है एसएस का इंतजार, उससे पहले देखने को मिलेगी एक मिनी एसएस देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा मैं हो चुका हूँ एक्साइटेड, मुझे लगता है आप भी बहुत ज्यादा होंगे एक्साइटेड, क्योंकि कल देखने को मिलेगा बहुत ही बड़ा मैच जो कि होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि खेला जाएगा दुबई में। और दूसरा ही मैच जाके जाएगा श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों ही बहुत बड़े मैच है। क्या होने वाला है इन दोनों का रिजल्ट, सब बात बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जल्दी। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं कल के जो दो डबल हेडर हैं, कल जो बेहतरीन मैच है दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला मैच खेला जाना है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि शारजाह की पिच में खेला जाना है दोस्तों। और ये भी एक बहुत बड़ा मैच होगा क्योंकि श्रीलंका यहाँ पर जीतना चाहेगी और वहीं साउथ अफ्रीका भी यहाँ पर जीत ही जाएगी। तो क्या होने वाला है ये तो टाइम ही बताएगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि भैया कल कौन जीतने वाला है। तो दोस्तों पहले बात कर लेंगे शारजाह के इस ग्राउंड की। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ही है कि टॉस जो हो रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस यूएई के पूरे वर्ल्ड कप में। जिस तरीके के शुरू के मैचों में देखा, जो भी टीम टॉस जीत रही है वो चेस करी, और चेस वाला यहाँ पे अभी तक ऑलमोस्ट सारे मैच जीतने में कामयाब रहा है। तो जो भी टीम है वो यही चाह रही है कि भैया शारजाह की रुकी हुई थकी हुई पिच पे फर्स्ट इनिंग लें, बॉलिंग करें और फिर कम स्कोर पे रोक दें बंदे अगली सेम टीम को, और फिर एक अच्छा स्लो टोटल चेस करें इजिली। तो टॉस करने वाला बहुत ही ज़बरदस्त रोल यहाँ पे पैदा करने वाला है दोस्तों। जो भी टीम चाहेगी वो यही चाहेगी कि टॉस जीत कर जो है वो पहले बॉलिंग करें। वहीं दोस्तों बात करेंगे टीम्स की, तो टीम्स में कोई भी चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं क्योंकि दोनों ने अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 खिलाई है। वहीं श्रीलंका दोस्तों जहाँ कल एक बेहतरीन मैच तो कह सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें हार का सामना करना पड़ा श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मात्र 3 ही विकेट वो ले सके और 7 विकेट से उन्हें हारना पड़ा। तो श्रीलंका यहाँ पर हार के साथ आ रही है और अफ्रीका यहाँ पर जीत के साथ आ रही है, तो दोनों ही टीमें जीत को बिल्कुल उतारू होंगे। तो दोस्तों इस मैच में जो मैं सपोर्ट करने वाला हूँ, मैं सपोर्ट करने वाला हूँ साउथ अफ्रीका को, क्योंकि थोड़ा सा उनका पलड़ा जो है श्रीलंका से भारी है हर एक फील्ड में अगर हम देखें तो, क्योंकि मिसफील्ड भी बहुत ज़्यादा हुई कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जो मैच देखा था। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक जो है पेसर जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है श्रीलंका की बॉलिंग से। तो दोस्तों मैं सपोर्ट कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका को, आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है कल। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिनी एसेस की। इसे मिनी एसेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो मैच है दोस्तों एसएस से पहले हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के कुछ टाइम बाद एसएस खेलने वाली है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें। उससे पहले एक अच्छी तैयारी हो सकती है। तैयारी तो क्या कहें, ये तो है T20 का फॉर्मेट, पर जो भी ये कहें मैच होने वाला है जबरदस्त। इंग्लैंड के सामने जहां ऑस्ट्रेलिया होगी, वहीं माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने माइटी इंग्लैंड होगी दोस्तों, क्योंकि अब वो दिन लग चुके हैं जब कहते थे कि इंग्लैंड के पास वो T20 ब्लास्ट वाले प्लेयर नहीं है, बल्कि अब ऐसा हो चुका है कि इंग्लैंड जो है T20 वर्ल्ड कप की बहुत ज्यादा फेवरेट मानी जा रही है। 2 में से 2 मैच जीत के आई है, और कल ये दोनों टीमें दोस्तों इनमें से एक को हार कर स्वाद चखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक दोनों ही टीमें 2-2 मैच खेल के दोनों ही दो जो है जीत के साथ आ रही हैं। तो कल एक को तो हार झेलनी पड़ेगी। तो किसका विजय रथ रुकेगा और किसका विजय रथ कंटिन्यू रहेगा ये तो कल शाम पता चलेगा। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भैया ये जो मैच होगा वो होगा दुबई के ग्राउंड में, और दुबई का ग्राउंड दोस्तों हमेशा से ही चेस के लिए माना जाता है, और कल भी टॉस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों वो यही चाहेगी कि भैया टॉस जीत के पहले करेंगे बॉलिंग, और चेस करना यहाँ पर हर भी तक बिल्कुल सही रहा है हर टीम ने जिसने भी फैसला लिया है टॉस जीतकर, और सारी टीमें चेस वाली यहाँ पे जीती, क्योंकि ड्यू फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है दोस्तों। प्लेइंग 11 की हम बात कर लेंगे, तो दोनों टीमें जीत के आ रही है तो चेंजेस हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, सेम प्लेइंग 11 के साथ हो जाएंगी दोस्तों। और इस टीम में मैं जो सपोर्ट करने वाला हूँ दोस्तों वो मैं करने वाला हूँ इंग्लैंड को दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल श्योर बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंग्लैंड जो है जीतने वाली है। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।